सी आई ओ एम एस गाइडलाइंस ये एक ऐसी गाइडलाइंस है जो कि मेडिकल इथिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि इन्होंने वो गाइडलाइंस दी जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स को जब आप क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये सारी गाइडलाइंस बता रही होती हैं सो सी आई ओ एम एस स्टैंड फॉर द काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन एंड मेडिकल साइंसिस अब ये सबसे पहले जो है डब्ल्यू एच ओ ने यूनेस्को से के साथ मिलकर ये गाइडलाइंस बनाई गई नाइनटीन नाइन में इन ब्रुसेल्स राइट जो कि बेल्जियम का कैपिटल है ओके सो सी आई ओ एम एस मिशन क्या था उनका टू एडवांस पब्लिक हेल्थ थ्रो गाइडेंस ऑन हेल्थ रिसर्च इंक्लूडिंग मेजर इनकी जो भी आ, आ, क्या बोलते हैं डोमेन थे वो एथिक्स मेडिकल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट और सेफ्टी यानी कि जो भी अगर ह्यूमन सब्जेस को आप क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ कर रहे हैं तो उनके क्या राइट्स होने चाहिए और आपको किस तरीके से उन, उनको इम्प्लीमेंट करना है और अगर आप कोई ड्रग इंटरवेंशन के थ्रू तो आप मार्केट में ला रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट को कैसे डील करना है और ह्यूमन सब्जेक्ट्स की सेफ्टी को कैसे आपको आ, कवर अप करना है ये सारी गाइडलाइंस ये बताती हैं तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो आ, हमने पहले ही बात कर ली 1949 में ये गाइडलाइंस दी गई और 1952 टू में इन गाइडलाइन को प्रेजेंट नेम्स जो के सी आई ओ एम एस जो हम कह रहे हैं अभी वो दिया गया 1959 में वीना में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स को डिस्कस किया गया था और uh, 1977 में लॉन्च ऑफ इथिक्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, 1982 में अडॉप्शन बाय यूएन ऑफ़ सीआईओएमएस मेडिकल इथिक्स फॉर प्रिजनर्स और 1993 में स्टार्ट ऑफ सीआईओएमएस फोकस ऑन फार्मेको विजिलेंस एंड रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस फार्मेको विजिलेंस ऐसी एक ब्रांच है जिसमें कि डील किया जाता है जो भी ड्रग्स मार्ट मार्केट में आती हैं मेडिसन्स उनके साइड इफेक्ट्स उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए ये सारी चीज़ें फार्मेको विजिलेंस के अंडर में जो है कवर की जाती हैं और इन्होंने भी सी आई ओ एम एस में के सी आई एस ने फार्मेको विजिलेंस में भी फोकस किया के 2016 में न्यू सी आई ओ एम एस एथिकल गाइडलाइंस फॉर हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन्स जो है वो अपग्रेड हुई हैं ओके सो कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्ट ये आता है सी आई को लेकर अ पास फाइंडर इन इंटरनेशनल नॉमिन क्लचर ऑफ डिजीज यानी कि 1975 में सी आई ओ एम एस और डब्ल्यू एच ओ ज्वाइंट अंडर टुक द इंटरनेशनल नॉमिन क्लचर ऑफ़ द डिजीज जिसको इंड प्रोजेक्ट का नाम भी दिया जाता है नंबर टू क्या है द जनरल असेंबली ऑफ़ यू एन अडोप्टिड सी आई ओ एम एस प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इथिक्स रिलेटेड टू प्रिजनर्स इन 1983 एटी थ्री प्रिजनर्स में बहुत कम काम किया गया है तो इन्होंने जो है अपनी गाइडलाइंस में एक गाइडलाइन ये भी दी गई है कि अगर आप वलरेबल पॉपुलेशन ले रहे हैं अपनी स्टडी में तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए तो इन्होंने प्रिजनर्स पर भी गाइडलाइन दी है 1986 में नंबर थ्री पे क्या है द वेरी फर्स्ट सी आई ओम एस वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन फार्मिको विजिलेंस जो हमने पहले ही बात कर ली ओके नंबर फोर फोर पे क्या है डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड सी आई यू एम एस इथिकल क्राइटेरिया फॉर मेडिसिनल ड्रग प्रोमोशन नाइनटीन नाइन्टी फोर नंबर फाइव पे सी आई ओम एस फॉर्मिको विजिलेंस गाइडलाइंस है बेसिस फॉर रिस्पेक्टिव आई सी एच गाइडलाइंस नंबर सिक्स में द लॉन्गेस्ट रनिंग सी आई ओ एम एस वर्किंग ग्रुप जो कि 2002 से काम कर रहा है इस डेडिकेटेड टू स्टैंड्राइज मेड्रा क्वेरीज़ ये एक ऐसी डिक्शनरीज होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन या फिर डिफरेंट ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंशन सब इसमें बताई गई जाती हैं सो so, अब बात करते हैं कि एक्चुअली में सी की गाइडलाइंस क्या हैं सो so, गाइडलाइन in इन appropriate context द challenges ऑफ प्रेजेंट डे क्लिनिकल रिसर्च जो कि फोकस कर रहे हैं कैसी कैसी चीज़ों को अगर आप ऐसे पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं जो कि एच या एड्स के मुतालिक है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी ट्रीटमेंट्स आफ्टर स्टडी एंडस ऐसा तो नहीं कि आपने इंटरवेंट अपनी स्टडी के लिए उनको इंटरवेंशन दी और सडनली जैसे स्टडी ख़त्म हुई आपने ख़त्म कर दी उनकी ट्रीटमेंट भी कुछ ट्रीटमेंट्स को पर्टिकुलर आ, टेपर करना पड़ता है स्लोली ओके तो ये भी चीज़ ये देखते हैं उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड नंबर पॉपुलेशन ले रहे हैं जैसे कि वुमेन ले रहे हैं एज ए रिसर्च सब्जेक्ट्स तो उसके लिए भी अलग से इन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसके अलावा सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंशलिटी या फिर कंपनसेशन फॉर एडवर्स इवेंट्स एज वेल गाइडलाइंस तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कवर किए हैं गाइडलाइंस के थ्रू टोटल ट्वेंटी फाइव गाइडलाइंस हैं इनकी हम जल्दी से जो है इसको हम थॉरली देख लेते हैं सो गाइडलाइन वन क्या कहती है साइंटिफिक या फिर सोशल वैल्यू एक होती है सोशल वैल्यू एक होती है साइंटिफिक वैल्यू सोशल वैल्यू यानी कि आपने स्टडी की अब उसकी सोसाइटी में कैसी वैल्यू है क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं कभी कभार ऐसी रिसर्च होती हैं जो कि न्यू इन्वेंशन तो कर देती हैं लेकिन वो सोसाइटी में इतनी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती उसके अलावा साइंटिफिक अब जो आप स्टडी कर रहे हैं वो साइंटिफिकली वैलिड है तो ये दो चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं रिस्पेक्ट फॉर राइट्स और जो भी आप इंडिविजुअल लेंगे जो भी आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स लेंगे उसकी राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है आपने जो कि स्पेशली हम इंफॉर्म कंसेंट वगैरह ले रहे होते हैं गाइडलाइन टू क्या कहती है रिसर्च कंडक्टेड इन लो रिसोर्स सेटिंग्स यानी कि अगर आप लो वैसे तो लो रिसोर्स सेटिंग्स में करें अगर आप कर रहे हैं वहाँ पे तो उस पर्टिकुलर लो रिसोर्स सेटिंग्स में आपको ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपकी स्टडी ख़त्म होने के बाद वो ट्रीटमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करनी है जिस पॉपुलेशन पर आपने की है गाइडलाइन गाइडलाइन नंबर थ्री क्या कहती है कि आपको बेनिफिट्स या बर्डन जो भी आपकी स्टडी के हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसके बाद गाइडलाइन फ़ोर क्या कहती है कि जो भी पोटेंशियल इंडिविजुअल बेनिफिट्स या रिस्क ऑफ रिसर्च हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कभी भी रिस्क ज़्यादा और बेनिफिट्स कम का आप रेशो नहीं लगा सकते गाइडलाइन okay. फ़ाइव कहती है कि चॉइस फॉर कंट्रोल इन क्लिनिकल ट्रायल्स इसके अलावा गाइडलाइन सिक्स कहती है केयरिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स हेल्थ नीड्स ये वो बेसिक गाइडलाइंस है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है गाइडलाइन सेवन कम्युनिटी इंगेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन एट कोलाबरेटिव पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिसर्च एंड रिसर्च रिव्यू नाइन गाइडलाइन कहती है इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्म कंसेंट ऐसी पॉपुलेशन लेनी है जो कि आपको इन्फॉर्म कंसेंट दे सके और अगर वो नहीं दे रही तो उसमें कोई वो नहीं है आप उसको विदड्रा कर सकते हैं और इन्फॉर्म कंसेंट का काम यही होता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट का राइट होता है वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन विदड्रॉ गाइडलाइन नंबर टेन क्या कहती है मॉडिफिकेशन एंड वेवियर्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट जो डे बाई डे होते रहते हैं जैसे कि लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग या फिर पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन आप वेरी कर सकते हैं गाइडलाइन नंबर एलेवन कहती है कलेक्शन स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ़ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड रिलेटेड डेटा जो भी अगर आपकी इंटरवेंशन में बायोलॉजिकल मटेरियल है तो आपको उसको सेव करके रखना है कलेक्शन स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ़ डेटा एंड हेल्थ रिलेटेड रिसर्च ओके गाइडलाइन नंबर ट्वेल्व कहती है कि अगर आप ऐसी चीज़ें रख रहे हैं जैसे कि बायो बैंक होती है गाइडलाइन अलेवन के अकॉर्डिंग तो आप आगे आने वाली रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको एक गाइडलाइन एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है गाइडलाइन नंबर थ्री रिएमबर्समेंट एंड कंपनसेशन फॉर रिसर्च पार्टिसिपेंट जो भी उनका लॉस हो रहा है या जो भी उनका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो वो आपने रीएमबर्स करना है गाइडलाइन नंबर फोर्टीन ट्रीटमेंट एंड कंपनसेशन फॉर रिसर्च रिलेटेड हार्म इट इज सिंपल गाइडलाइन नंबर फिफ्टीन रिसर्च इन्वॉल्विंग वर्ल्ड नंबर परसन एंड ग्रुप्स ये हमने पहले बात कर ली वर्ल्ड पॉपुलेशन पे अगर आप ले रहे हैं तो उनकी सारी एक पूरा एक पेज होता है जो उनके हकाइक पे होता है हकूक़ पे होता है उनको आपने फिल करना होता है और उनके अकॉर्डिंग चलना होता है गाइडलाइन नंबर सिक्सटीन रिसर्च इन्वॉल्विंग अडल्ट इनकेपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्म कंसेंट जो कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिटर्मिन नहीं होते तो वो खुद से नहीं कर पाते तो उनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया दिया जाता है ओके गाइडलाइन नंबर सेवेंटीन रिसर्च इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन एंड एडोल्स एंड ऑबियसली चिल्ड्रेन ले रहे हैं तो आपको एसेंट फॉर्म लेने होते हैं बजाय इन्फॉर्म कंसेंट के और इसके अलावा जो भी आप ले रहे हैं ऐसे अडोल्स या चिल्ड्रेन तो उनके अलग से गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना होता है आपने गाइडलाइन नंबर एटीन वुमेन एज रिसर्च पार्टिसिपेंट क्योंकि वुमेन भी वर्ल्ड पॉपुलेशन में आती है स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स की बात कर लें ओके रिसर्च गाइडलाइन नंबर ट्वेंटी रिसर्च इन डिजास्टर्स एंड डिजीज आउटब्रेक्स ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंट्री या ऐसा एरिया ले रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो हो रहे हैं तो आप ऐसे नहीं डायरेक्टली जाकर आपने ले लि रिसर्च आपने पहले उनके सराउंडिंग को समझना है आइडर दे आर दें और नॉट तो इस सारी चीज़ों को देखकर फिर हम उस एरिया को सिलेक्ट कर रहे होते हैं ट्वेंटी वन गाइडलाइन कहती है क्लस्टर रेंडमाइज ट्रायल्स ये एक रेंडमाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें क्लस्टर जो है वो करके आप जितनी भी स्टडीज़ करते हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होती हैं सो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि क्लस्टर रेंडमाइजेशन ट्रायल्स करें आप guideline number 22 kya hai? use of data obtained from the online enrollment and digital tools in health related research this is very simple guideline number 23 requirements for establishing research ethics committees and for the review of protocols this is also a simple one द ट्वेंटी फोर गाइडलाइन कहती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर हेल्थ रिलेटेड रिसर्च यानी कि जो भी आप पब्लिक जो भी पॉपुलेशन ले रही है उनके आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है हेल्थ रिलेटेड के लिए और जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ओके गाइडलाइन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कहती है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है कभी कभार आपने देखा होगा काफ़ी स्टडीज़ के नीचे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है यानी कि दो लोगों ने स्टडी uh, की लेकिन उन दोनों के जो है ख्यालात बिल्कुल डिफरेंट है उस पर्टिकुलर स्टडी को लेकर तब हम कहते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सो दिस इज़ ऑल अबाउट सी आई यू एम एस गाइडलाइंस थैंक यू